हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज थोड़े लिए लैके आया जी मैं नवी किया सोनेट, और यह है जी आज HTK प्लस मॉडल यदा लैके आया जी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दे नाल। सो आओ तुम दिखाने हैं और की कुछ यदि थोड़ी जी डिफरेंट है तुम देख सकते हो, क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है, कुछ इस तरह की की रहन वाली है। सो आओ मैं तुम दिखाना जी किया सोनेट। सब तो पहला दिखाना मैं तुम्हें यदा इंजन, इंजन रहने वाला जी कुछ एदा इस तरह का। इंजन के उपर कवर ये थानू नहीं मिलता जी, बिल्कुल जिमें कह सकते हो तुम लंडा आ, थानू इतने इंजन मिलने वाला है। और इतने तुम देख सकते हो उपर थानू कोई इतने आइसोलेशन भी नहीं मिलने वाली। और बाकी गल करिए पावर की, पावर की गल कर लिए तो यह पावर है जी इस कार की 1.2 लीटर पेट्रोल के 82 BHP की, 82 BHP की पावर है, और टॉर्क देती है जी 115 Nm का। पावर ये कुछ ज़्यादा मिलने वाली नहीं है, बट स्टिल तुम्हें यह वैल्यू फॉर मनी कार मिलने वाली है। सब तो पहला गल करो जी फ्रंट प्रोफाइल की, किया का बहुत ही सोहना लोगो तुम्हें बोनेट के उपर ही मिल जाता है जी, बहुत वधिया लुक तुम्हें इतने किया के लोगो की मिलने वाली है। और जी इन्हों की ग्रिल है परसनली मैं बहुत पसंद आ रही है जी, और ग्लोसी के पियानो फिनिश के नाल तुम्हें इतने ग्रिल मिल रही है, और नीचे इतने तुम्हें क्रोम इनसर्ट्स भी ये बॉर्डर यदा नीचे मिल रहे हैं। और बाकी इन एयर इनटेक वास्ते भी कुछ इतने ग्रिल दी गई है, यह मैट के ब्लैक मैट के है, और इतने तुम्हें स्किड प्लेट मिल रही है जी सिल्वर कलर के, काफ़ी अच्छी तुम्हें इतने स्किड प्लेट भी मिल रही है, वह भी है ग्लोसी के। हुण गल करांगे जी आप हैडलाइट्स की, हैडलाइट्स तुम्हें मिल रही हैं जी हैलोजन बल्ब के नाल, DRLs के नहीं मिलते जी, और इतने तुम्हें हैलोजन टर्न इंडीकेटर भी मिल रहे हैं। फोग लैंप्स बहुत ही सोहने के प्लेस किए गए हैं, और फोग लैम्प के नीचे थोनों इतने कुछ पियानो फिनिश के ग्लॉसी के डिजाइनिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत वधिया लुक थोनों दे रही है। हुण गल करांगे जी आप साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल तो कार कुछ रहने वाली जी इस तरह की, मिनी SUV कॉम्पैक्ट SUV है किया की, बहुत ही वधिया अजकल ट्रेंडिंग दे विच है, काफ़ी विक भी रही है ये, और ये काफ़ी मॉडल्स भी आते हैं। ये मॉडल थोनों मैं दसता कि HTK प्लस मॉडल है, बट ये अजक 1.0 लीटर टर्बो का भी इंजन आने लग गया, वो पावर थोड़ी ज़्यादा है। तो हुण गल करांगे जी आप टायर प्रोफाइल की, अपोलो के टायर थोनों ये मिल रहे हैं, और यदि टायर की प्रोफाइल है जी 215/60/16 इंच के नाल थोनों अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, अलॉय व्हील्स थोनों मिल रहे जी सिल्वर कलर के, और इतने थोनों मिल जाएगी जी किया की बैजिंग। ग्लाइडिंग की गल कर लिए तो ग्लाइडिंग थोनों इतने ब्लैक मैट के मिल रही है, ऑल ओवर स्टार्ट तो शुरू तो लैके लास्ट तक थोनों यह ग्लाइडिंग मिल जाएगी जी ब्लैक कलर के। और हुण गल करांगे जी आप ORVMs की, ORVMs थोनों इतने बॉडी कलर मिलने वाले है जी, टर्न इंडीकेटर थोनों इतने LED के ORVMs मिलने वाला है। और पिलर्स की गल कर लिए, कलर थोनों मिल रहा है जी बॉडी कलर, और उपर थोनों मिल जाती है जी एक रूफ रेल्स जो कि सिल्वर और ब्लैक कलर के मिलती है। और डोर हैंडल की गल करिए, डोर हैंडल थोनों मिलता है जी बॉडी कलर, लॉक की ये ऑप्शन मिल जाती है, बट ये कीलैस एंट्री ना होने करके कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। बिडिंग थोनों इतने ब्लैक कलर की मिल जाती है जी, कोई ये गार्निश नहीं कंपनी ऑफर करती। और बी पिलर जोड़ा हैगा वह है मैट ब्लैक दे, जो कि वधिया इनू लुक प्रोवाइड करता है। सो फ्रंट दे विच गल करिए आप सेफ्टी की, तो फ्रंट दे विच थोनों मिलने वाली है जी डिस्क ब्रेक्स, एंड रीयर दे विच थोनों मिल जाएगी जी ड्रम ब्रेक्स। और सेफ्टी दे विच अगर गल करिए तो ये थोनों 4 एयरबैग्स किया प्रोवाइड करती है जी, क्योंकि किया दे विच इन्होंने स्टैंडर्ड बनाता कि 4 एयरबैग्स थोनों मिलने ही मिलने ने। हालांकि ह्युंडई ने बेस मॉडल दे विच 6 एयरबैग्स कर दिते है, बट किया ने स्टैंडर्ड किया कि 4 एयरबैग्स थोनों मिलने ही। और लास्ट वाले पिलर की गल करिए, इतने तुम्हें बॉडी कलर मिल जाता है, बट इतने तुम्हें एक ग्लॉसी के डिजाइनिंग मिल जाती है, जो कि किया ने बनाई है कुछ 5 स्पोक्स जेदे विच बनाए है ड्रॉ किए हैं, बट ये डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी लगती है। हुण गल करांगे जी आप रीयर प्रोफाइल की, रीयर प्रोफाइल की गल करिए कुछ इस तरह की रोड प्रेजेंस रहने वाली है जी किया सोनेट की। और सब तो पहला ये गल करांगे जी, इन्हें तुम्हें मिलने वाला शार्क फिन एंटीना, जो कि बहुत वधिया इनू लुक दिंदा है। और ब्रेक लाइट तुहानू इहदे विच स्पॉयलर छोटा जिहा स्पॉयलर मिलता है, ज़्यादा वड्डा स्पॉयलर नहीं है, इहदे विच उहदे विच ब्रेक लाइट मिलती है, और इत्थे तुहानू डीफॉगर भी मिल जाते हैं। और इहदे विच आपां गल करिए रीयर वाइपर की, तो वाइपर इहदे विच कंपनी ने गायब कर दिता जी। और किया दे लोगो की गल करिए तो तुहानू लोगो दे नाल बहुत ज़्यादा तुहानू पसंद आएगा लोगो, यह काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपां गल करिए टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स थोनों इतने मिलने वाली हैं जी कुछ इस तरह दियाँ।
LED टेल लाइट्स तुहानू मिलने वालियां हैं, और इहदे विच तुहानू बैक लाइट और टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा जी हैलोजन बल्ब दे विच, और कनेक्टिंग लाइट्स होन करके इहदी कार दी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। और नीचे गल करिए तो इहदे विच तुहानू इत्थे दो रिफ्लैक्टर्स मिल जाते हैं दोनों साइड पर, और इत्थे तुहानू दो पार्किंग सेंसरस विद स्किड प्लेट एज इट इज़ फ्रंट की तरह ही तुहानू इत्थे ग्लॉसी दे विच सिल्वर कलर के नाल स्किड प्लेट मिल जाती है। और इत्थे तो तुहानू इहदे विच इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ जिस तरह का एग्जॉस्ट का डिजाइन होंगे, बट यदा एग्जॉस्ट इतने नहीं है वह नीचे दिता हुआ है, बट इन्होंने कुछ दोनों साइड पर डिजाइन कुछ इस तरह का थोड़ा देता। और इतने मिल जाएगी जी लैफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा सोनेट की बैजिंग। फ्यूल टैंक की गल करिए फ्यूल टैंक यदा मिलने वाला है जी थोड़ा लैफ्ट हैंड साइड पर, और यदा कपैसिटी है जी 45 लीटर की। हुण चलते हैं जी कार दे आपां अंदर, कार नूं सब तो पहला करांगे जी आपां अनलॉक। अनलॉक करते ही नाल ही थोनों इतने नाल सायरन भी मिल जाता कार अनलॉक करन दा। और सब तो पहला गल करांगे जी आप फ्रंट डोर की। फ्रंट डोर ते थोनों ऑल ओवर ब्लैक कलर ही देखने को मिलेगा, अंदर इंटीरियर दे विच भी थोनों ऑल ओवर ब्लैक ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ कुछ जगह पर कंपनी ने सिल्वर कलर का इनसर्ट्स पाए हुए हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी लुक थोनों मिल जाएगी। सब तो पहला गल करिए आप इतने तुहानू ट्विटर मिलने वाला है जी छोटा, ऑल ओवर कंपनी है दे विच 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स प्रोवाइड करती है जी। इत्थे तुहानू कुछ डिजाइनिंग इन्होंने देती मैट ब्लैक दे विच, नाल डोर ओपनर देता जी सिल्वर कलर दे विच, और पावर विंडोज़ के बटन तुहानू इत्थे काफ़ी वधिया प्लेस किए गए हैं। और इत्थे ऑटो फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं विदाउट इग्निशन ऑन करन तो बिना ही तुहानू इत्थे ऑटो फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं, और इतों तुम एडजस्ट कर सकते हो लॉक अनलॉक का बटन और पावर विंडोज़ बटन थोड़ा इतने मिल जाते हैं। नीचे थोड़ा इतने ग्रैब हैंडल सब तो पहला मैं दिखा दा, काफ़ी अच्छा ग्रैब मजबूत ग्रैब हैंडल थोड़ा मिल जाता है, और इतने तुम बोटल की स्पेस नाल कुछ होर स्पेस थोड़ा इतने मिल जाती है जी। ड्राइवर सीट की गल करिए इतने हाइट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट मैनुअली तुम हाइट एडजस्टेबल कर सकते हो और इनू बाकी तरह भी एडजस्ट कर सकते हो। इंटीरियर की गल करिए कुछ इस तरह का मिलने वाला जी तुहानू, इंटीरियर काफ़ी सोहना इंटीरियर तुहानू इहदे विच मिल जाता है जी। और स्टेयरिंग व्हील की सब तो पहला गल करांगे, उस तो पहला आप चलते हैं कार के अंदर, कार की सीट नू करते हैं एडजस्ट आपके हिसाब नाल, और काफ़ी अच्छी स्पेस मतलब इस तरह नहीं लगता कि तुम एक कॉम्पैक्ट SUV दे विच बैठे हो, और इस तरह लगता कि वधिया SUV दे विच तुसी बैठे हो। और सब तो पहला गल करांगे जी आपां स्टेयरिंग व्हील दी, काफ़ी वधिया तुहानू इत्थे काफ़ी अच्छी ग्रिप दे नाल 3 स्पोक्स दे नाल तुहानू स्टेयरिंग व्हील मिल जांदा है, और इहदे विच तुहानू क्रोम इनसर्ट्स भी मिल जाणगे और सिल्वर इनसर्ट भी तुहानू मिल जाणगे। लोगो की गल करिए तो दोबारा मैं तुहानू दस देना क्योंकि मैनू इह लोगो बहुत वधिया लगता है, और किया दी कार मेरे कोल ऑलरेडी आपदे कोल भी यूज़ कर रहा मैं, और काफ़ी अच्छा तुहानू इत्थे ऑल ओवर स्टेयरिंग व्हील मिल जांदा है जी। और कार दा करांगे कि इग्निशन ऑन, कार दा इग्निशन कर लिया जी ऑन, और काफ़ी वधिया थोनू इत्थे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलने वाला है। इग्निशन हो गया जी कार दा ऑन, हुण तुसी देखोगे काफ़ी वधिया थोनू इहदे विच मिलने वाला है जी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की गल करिए तो राइट हैंड साइड ते तुहानू मिल जांदे ने फ्यूल गेज और टैंपरेचर का मीटर तुहानू मिल जांदा है, और RPM मीटर तुहानू मिलता है जी लैफ्ट साइड ते, और स्पीडोमीटर तुहानू सेंटर दे विच मिल जाएगा विद MID, और इहदे विच तुहानू डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है जी। और बाकी भी इहदे विच तुसी देख सकते हो काफ़ी वधिया प्लेस किया हुआ है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इहदा जिहड़ा बॉर्डर है वह हैगा जी पियानो फिनिश दे विच ग्लॉसी दे विच इहदा बॉर्डर मिल जाता है। और टच स्क्रीन की गल कर लीए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की गल, इनफोटेनमेंट सिस्टम की गल कर लीए तो यह 8 इंच की टच स्क्रीन के नाल तुहानू मिल जाता है, और ये 4 स्पीकर्स मैं ऑलरेडी दस चुका 4 स्पीकर्स तुहानू इहदे विच मिल जाते टच स्क्रीन के नाल ये मिल जाता है। और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल की गल करिए तो ये काफ़ी वधिया तुहानू ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल बाकी कार्स दे विच थोड़ा जिहा नीचे हुंदा है, सो ये तुहानू सेंटर दे विच प्लेस किया गया है जो कि काफ़ी वधिया चीज़ है, नवी चीज़ है मतलब किया दी सेल्टोस दे विच भी ये नीचे आता है बट सोनेट दे विच ये थोड़ा जिहा उपर प्लेस किया गया। और इहदा इंटीरियर जिहड़ा तुसीं देख सकते हो काफ़ी रफ एंड टफ बनाया गया है, जो कि जैसे जिवें कि ऑफ रोडर्स व्हीकल्स हुंदा है, ऑफ रोडर व्हीकल्स हुंदा है, और इतों तुम एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हो, और यह है जी यदा टैंपरेचर कंट्रोल करने वास्ते, और बाकी सारे मोड्स वगैरह तुम्हें इतने देते कंपनी ने। लाइट्स ये मिल जाती जी तुम ऑटो, तुम इतों लाइट्स ऑटो लैफ्ट राइट साइड तो
ਟੋਗਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਸ ਦੀ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਵਾਈਪਰਸ ਦੀ ਟੋਗਲ, ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਸ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ MID ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਸ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ USB ਚਾਰਜਰ, ਔਰ ਨੀਚੇ USB ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ 12 ਵੋਲਟ ਦਾ ਸਾਕਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਅਰ ਨੋਬ ਕੁਛ ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ AC ਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਬੈਗਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, 2 ਏਅਰ ਬੈਗਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੇ ਔਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਸੀਟਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਦੀ, ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਡੀਸੈਂਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਰਮ ਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਮ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਲੌਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਪੇਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਕੱਪ ਹੋਲਡਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਬਿਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਨ ਗਲਾਸ ਹੋਲਡਰ, ਔਰ ਸਨ ਗਲਾਸ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ, ਵੈਨਿਟੀ ਮਿਰਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੰਜਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਟੋ ਔਨ ਆਫ ਦਾ ਬਟਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਲੈਵਲਰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰੀਅਰ ਸੀਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਵਗੈਰਾ। ਰੀਅਰ ਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਡੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਹੈਂਡਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਬਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਸਪੀਕਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟਲ ਹੋਲਡਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਪੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੀਟ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ, ਸਪੇਸ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਪੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਬਨ ਮੈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈੱਡਰੂਮ, ਬੈਕ ਸੀਟਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ AC ਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ AC ਵੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਨੀਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ USB ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਪੋਰਟ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ, ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਲਾਈਟ, ਔਰ ਗ੍ਰੈਬ ਹੈਂਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਬ ਹੈਂਡਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 3 ਹੈੱਡਰੈਸਟ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈੱਡਰੈਸਟ ਹਾਈਟ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮ ਰੈਸਟ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੂਟ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹਿਊਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਸਪੇਸ, 392 ਲੀਟਰ 392 ਲੀਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਪੇਅਰ ਵੀਲ ਵਿਦ ਸਟੀਲ ਰਿਮ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੂਲਸ, ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਟੂਲ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਬ ਹੈਂਡਲ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਬ ਹੈਂਡਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਆ ਦੀ ਸੋਨੈਟ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।